Hello students, now in this video I am going to explain, I am giving to revise the chapter Matter in Our Surrounding. Okay, so next coming in 3 videos I will revise the syllabus of prelim test. ठीक है, मैं आगे आने वाली 3 वीडियोस में आपको सिलेबस रिवाइज कराऊंगी ताकि आपको उससे रिलेटेड जो है सिलेबस जो चैप्टर्स हैं वो आपके रिमाइंड हो जाएं. ठीक है, तो जस्ट इन शॉर्ट देखते हैं कि व्हाट इज द मैटर, क्या होता है मैटर इन अवर सराउंडिंग. दैट इज द चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री. सो दैट इज द मैटर. मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास, वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज जो जिसके अंदर मास होता है, वॉल्यूम है या ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, दीज आर कॉल्ड द मैटर. क्या कहलाता है? मैटर. तो सबसे पहले जो मैटर है ये जनरल थिंग्स है. मैटर ऑन द मैटर्स जो है इसकी जो नेचर है वो कैसी है? नॉट इन ए कंटिन्यूअस फॉर्म, इट इज इन अ पर्टिकुलेट फॉर्म. पर्टिकुलेट फॉर्म मतलब कि मैटर ऑन द बेस, सो वी कैन से कि मैटर इज इन द पर्टिकुलेट फॉर्म, एक पर्टिकुलेट फॉर्म में है. इट मींस कि मैटर इज मेड बाय द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है मैटर. दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दीज आर कॉल्ड एटम्स. उनके क्या कहलाते हैं? एटम्स. सो मैटर इज इन द पर्टिकुलेट फॉर्म. सो वी कैन से कि द वॉट इज द नेचर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, दिस इज द पर्टिकुलेट फॉर्म. इट मीन्स मैटर इज मेड बाय द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते. ठीक है, ये बात है कि सो वी कैन से द मैटर इज नॉट इन द कंटिन्यूअस फॉर्म, एक कंटिन्यूअस शीट नहीं है, इट इज ओनली द पर्टिकुलेट फॉर्म. सो वी कैन से मैटर इज मेड बाय द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स. ठीक है, एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई बिकॉज ऑफ सो स्मॉल इन साइज. नाउ एक्टिविटी इज दैट टू शो दैट मैटर इज इन द पर्टिकुलेट फॉर्म. इसको शो करने के लिए एक एक्टिविटी आपके पास है कि आपने क्या किया, एक पानी में एक ग्लास में आपने पानी लिया और उसके अंदर कुछ अमाउंट में 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट या शुगर आपने डाल दी. तो जब हम डाल देते हैं तो आपने क्या देखा कि उसमें जो लेवल है वाटर का वो इंक्रीज नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका मतलब वाटर जो है वो पर्टिकुलेट फॉर्म में है, शुगर के पार्टिकल्स भी पर्टिकुलेट फॉर्म में, पार्टिकल्स की फॉर्म में. तो इट मीन्स कि जब आप उसमें, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या रहता है, स्पेस रहता है, कि जब हम उसमें डिजोल्व करते हैं शुगर या सॉल्ट डिजोल्व करते हैं तो जो शुगर के पार्टिकल्स हैं या सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं उसके जो स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं. इट मीन्स दे गेट ऑक्यूपाइड स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. दैट्स वाई द लेवल डज नॉट इंक्रीज. दोस्तों, दिस एक्टिविटी शो दैट मैटर इज इन द पर्टिकुलेट फॉर्म. तो आपका एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जब हम पानी में चीनी या नमक डालते हैं तो वो क्यों नहीं इंक्रीज होता? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहता है. मैटर के बीच में, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहता है जिसमें शुगर के पार्टिकल्स या सॉल्ट के पार्टिकल्स जो होते हैं ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्पेस को. नेक्स्ट इज, व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. फर्स्ट इज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल्स जो है मैटर के वो अट्रैक्ट करते हैं. इट मीन्स दे हैव सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन देम. उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है. ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इन 3 कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर एंड देन दे हैव स्पेस बिटवीन देम एंड दे आर ऑफ कंटिन्यूअसली मूविंग. इसके आधार पर मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई. अगर मैटर के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ऑब्वियसली 2 पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा और पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? क्लोज. एंड व्हेन द पार्टिकल्स बिकम क्लोज द मैटर स्टेट विल बी सॉलिड एंड द पार्टिकल्स फार अपार्ट टू ईच अदर बिकॉज ऑफ द लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो इट मींस पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं और मैटर की स्टेट हो जाती है गैस. ठीक है, एक लिक्विड और एक आप गैस और एक सॉलिड का लेके चल रहे हैं, यहाँ पे बीच का तो है ही लिक्विड. ठीक है, आगे देखते हैं. नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड होगा ऑब्वियसली कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा 2 पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएंगे. इट मीन उनके बीच में स्पेस कम होगा. मेरे हाथ को देखेंगे ध्यान से, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम रहेगा यहाँ पर. ठीक है, सो जब स्पेस पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम रहता है द मैटर स्टेट विल बी सॉलिड. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, 2 पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ऐसे स्पेस बहुत अधिक हो जाएगा. सो मैटर स्टेट विल बी गैस. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. चाहे पार्टिकल्स क्लोज हो चाहे पार्टिकल्स दूर हो, बट दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग. बस लेकिन सीधी सी बात है कि जहां पर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है आसानी से पार्टिकल हिल डुल सकता है. लेकिन अगर स्पेस नहीं है, मान लीजिए मेरे हाथ को देखेंगे ध्यान से, अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होगा तो उनको हिलने की जगह नहीं मिलेगी. समझ रहे हैं बात? तो बट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूव करते हैं बिकॉज दे हैव सम एनर्जी दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी. द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन.
व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, किसी भी मूविंग चीज में कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसमें जो एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ मोशन दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी. अब मान लो जहां पर पार्टिकल्स क्लोज हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई है. यहाँ देखें मेरे हाथ को देखेंगे क्लोज बहुत ज्यादा है हाथ, तो इट मीन्स यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है. तो यहाँ पर मोशन कम है इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी कम है. लेकिन अब यहाँ पर दूर दूर है तो इट मीन्स यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से जो गैप है स्पेस बहुत ज्यादा दिख रहा है. स्पेस ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी, पार्टिकल्स आसानी से मूव कर सकता है. सो व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, सो व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर रैपिडली मूव एंड द मैटर स्टेट विल बी गैस. इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, तो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, सो पार्टिकल्स बिकम क्लोज एंड दे डू नॉट मूव इजली एंड सो द मैटर इज स्टेट इज सॉलिड. Now next on the basis of these properties, there are three state of matter like solid, liquid and gas. Solid properties like that shape and volume. पहले shape और volume के regarding देखते हैं. Solid की fixed shape होती है, fixed volume है. Liquid do not have fixed shape and fixed volume. Liquid का कोई fixed shape नहीं होता, कोई fixed but have fixed volume. ठीक है, अगर मानो मैंने एक लीटर दूध लिया, एक लीटर दूध मैं बड़े भगवाने में लूँ, बड़े जग में लूँ, उसी की shape को gain कर लेता है. So no fixed shape. ठीक है, बट है फिक्स्ड वॉल्यूम, बट है तो एक लीटर. गैस डू नॉट है फिक्स शेप नॉट फिक्स वॉल्यूम, ना तो गैस का कोई फिक्स शेप होती है और ना ही किस कोई फिक्स वॉल्यूम होता है. ठीक है, किसी भी टाइप के उसको क्या करते हैं ऑक्यूपाई, किसी वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई कर लेती है. फ्लूडिटी में बात करेंगे कौन सी चीज फ्लो कर सकती है. सो सॉलिड कैन नॉट फ्लो, फ्लो नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, बट लिक्विड कैन फ्लो. और ऑब्वियसली गैस के पार्टिकल के बीच में तो बहुत ज्यादा मतलब स्पेस होता है, सो दे कैन फ्लो मोर इजली. कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब किस चीज को अंडर प्रेशर वो हम दबा सकते हैं, सो दे कैन बी कंप्रेस्ड. ठीक है, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते. लिक्विड कैन बी कंप्रेस स्लाइटली कंप्रेस कर सकते, बट गैस कैन बी मोर कंप्रेस्ड, हम गैस को हाईली कंप्रेस्ड कर सकते हैं. आगे देखेंगे नेक्स्ट इज दैट की नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपका है नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपके पास है नेक्स्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या मैंने आपको बताई दिया स्पेस का हो गया. रिजिडिटी देखते हैं. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया कौन सी मैटर की स्टेट कौन सी होती है. नेक्स्ट पॉइंट है रिजिडिटी. रिजिडिटी का मतलब है इनफ्लेक्सिबल, यानी जो चीज फ्लेक्सिबल नहीं है, यानी वो हार्ड है. जैसे सपोजेड टेबल है, टेबल आपकी लकड़ी की टेबल है, कांच की टेबल, आप उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते. इनफ्लेक्सिबल होती है जो चीज, इनफ्लेक्सिबल होती है जिसको हम दोबारा बेंड नहीं कर सकते. सो वी कैन सी दे आर रिजिड. सो सॉलिड्स आर रिजिड. रिजिड होते हैं बिकॉज दे आर एबल टू मेंटेन देयर शेप. उनकी शेप क्या रहती है, मेंटेन रहती है. बट अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर लिक्विड कैन चेंज देयर शेप. लिक्विड अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, सो दे आर नॉट रिजिड. एंड गैसेस तो रिजिड है ही नहीं, गैसेस कैन भी गैसेस की भी कोई शेप फिक्स नहीं होती, सो दे आर नॉट रिजिड. ये भी क्या नहीं है, रिजिड नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं डेंसिटी के लिए. डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. दैट इज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम की, मास पर यूनिट वॉल्यूम की एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास है. ठीक है, अगर मास कम होगा तो डेंसिटी कम है. उसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में मास ज्यादा, माना मैं कहूं कि एक पर्टिकुलर रूम है जिसके अंदर 100 किलोग्राम चीनी है और एक पर्टिकुलर रूम है जिसमें 200 किलोग्राम चीनी है, तो मास 200 किलोग्राम में ज्यादा, यानी उसकी डेंसिटी ज्यादा है. तो सॉलिड हैज हाई डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है और गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है. सो गैस जो बहुत हल्की होती है, यही कारण गैस हल्की होती है. नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब सॉलिड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर एक चीज मेल्ट होती है, या एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जिस पर कोई चीज बॉइल होती है. तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है, तो ऑब्वियसली उसको मेल्ट करने के लिए ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है. यही कारण कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं. लिक्विड तो सीधी गैसेस स्टेट में जाएगी, तो लिक्विड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम रहता है, सो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. के मेल्टिंग पॉइंट और इनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, एज कम्पेयर टू सॉलिड कम होते हैं. गैसेज है वेरी लेस मेल्टिंग. गैसेज तो बहुत ज्यादा मतलब कि पार्टिकल्स दूर होते हैं, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. यही कारण है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है गैसेज का क्या होता है, और भी जो है गैसेज है वेरी लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम रहता है. नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन. द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू
लो कंसेंट्रेशन, पार्टिकल्स का मूवमेंट हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ बाय इट्सेल्फ अपने आप, यानी जब पार्टिकल्स अपने आप मूव कर जाते हैं हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, जहां पर कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है. सपोज दैट आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाते हैं तो किचन में जो हॉट पार्टिकल्स होते हैं फूड के, उनकी कंसेंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है. वो रेंडमली मूव कर जाते हैं, दूर तक स्मेल आ जाती है उनकी. इट मीन्स जहां पर कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है पार्टिकल्स अपने आप मूव कर जाते हैं हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने परफ्यूम लगाया, तो परफ्यूम हमने लगाया था यानी हमारे पास कंसेंट्रेशन ज्यादा उन पार्टिकल्स की और दूर तक सुना उसकी स्मेल आ रही है. इट मींस कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, रैपिडली डिफ्यूज हो रहे हैं इन द एयर हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन. सो सॉलिड आइदर डू नॉट डिफ्यूज और डिफ्यूज एट वेरी स्लो रेट. सॉलिड ज्यादातर डिफ्यूज नहीं होते, जैसे चेयर है टेबल है, इनकी तो स्मेल नहीं आती. लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जहां पर या हम कह सकते हैं कि सॉलिड में कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनमें डिफ्यूजन बहुत स्लो रेट पर होता है. ठीक है, लिक्विड कैन डिफ्यूज मोर इजली, लिक्विड डिफ्यूज हो जाते हैं आसानी से डिफ्यूज होते हैं. जैसे पानी में इंक डालते हैं, इंक आसानी से डिफ्यूज हो गई. लेकिन बट इन कंपेरिजन टू लिक्विड गैसेज कैन डिफ्यूज मोर इजली, आसानी से क्या हो जाते हैं डिफ्यूज हो जाती है. अब हम बात करते हैं कुछ एक्सेप्शन, यहाँ पे मैंने लिखा है रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप. अब हम कहते हैं सॉलिड अपनी शेप को चेंज नहीं करते, लेकिन यहाँ तो एग्जांपल है कि रबर बैंड जो होती है कैन चेंज इट्स शेप, अपनी शेप को क्या करती है चेंज कर लेती है ऑन स्ट्रेचिंग. बिकॉज जैसे ही हम फोर्स पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, जैसे ही हम उस पर फोर्स हटाते हैं व्हेन द फोर्स इज रिमूव, जैसे ही फोर्स हटा दिया जाता है वो वापस अपनी शेप को गेन कर लेता है. नेक्स्ट है सॉलिड है फिक्स शेप बट डू नॉट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट. But sugar or salt when kept in the different jar, they take the shape of the jar, they are considered as a solid. Solid है fixed shape, हम कहते हैं कि solid fixed shape के होते हैं but not take the shape of the container. ठीक है, शेप किसी भी कंटेनर की शेप को नहीं ले सकते. ठीक है, बट दे आर कैप्ड इन द शुगर, बट वेन दे आर कैप्ड शुगर और सॉल्ट, जब हमें शुगर या सॉल्ट हम किसी जार में रखते हैं तो वो पूरी शुगर या सॉल्ट जो होता है उस जार की शेप को ले लेता है, क्योंकि शुगर के पार्टिकल्स को देखना है हमें. शुगर के पार्टिकल्स की शेप तो क्या होती है, फिक्स होती है और दे डू नॉट टेक द शेप ऑफ द ई शुगर पार्टिकल्स डू नॉट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. सो वी कैन से इट हैज फिक्स शेप. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट कि सॉलिड आर नॉट कंप्रेसिबल. हम कहते हैं सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं है, लेकिन स्पंज को तो हम कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि स्पंज के पार्टिकल्स के बीच में होल्स होते हैं जिनमें एयर फिल होती है. ठीक है, एयर ट्रैप रहती है, जैसे हम उसको प्रेस करते हैं उनमें से एयर बाहर आ जाती है निकल के, एयर इज एक्सपेल्ड आउट. ठीक है, एयर बाहर निकल जाती है एंड व्हेन वी आर एबल टू कंप्रेस इट. ठीक है, जैसे ही हम उसको क्या कहते हैं प्रेस करते हैं आप स्पंज को, द एयर इज एक्सपेल्ड, एयर क्या आती है सारी बाहर निकल जाती है एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट. और जैसे ही हम अपना फोर्स हटाते हैं वो वापस अपनी ही शेप को गेन कर लेता है. सो दैट्स वाई कि इट बिकम्स एन ओरिजिनल शेप. सो वी कैन, दैट्स वाई सॉलिड जो स्पंज कैन बी कंप्रेसिबल, और यही कारण है कि स्पंज क्या होती है कंप्रेसिबल होती है. ठीक है, नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. हम मैटर की स्टेट को, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि मैटर की स्टेट को चेंज करना है, सॉलिड से लिक्विड है, लिक्विड से सॉलिड है, लिक्विड से गैस है, गैस से लिक्विड है, इस टाइप से चेंज. सो दे आर वी अप्लाई द टू मेथड फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय चेंजिंग ऑफ प्रेशर. ठीक है, अब यहां देखना है टेम्परेचर को रिड्यूस करें या डिक्रीज करें, इंक्रीज करें, प्रेशर को भी इंक्रीज करें डिक्रीज करें. एक चीज का याद रखेंगे, जब भी हम किसी चीज पर प्रेशर को बहुत ज्यादा करते हैं, अब मेरे हाथ को देखेंगे, जब हम प्रेशर ज्यादा कर रहे हैं, देखिए अब प्रेशर ज्यादा हो रहा है, पास आ रहा है ये, तो पार्टिकल्स पास आ रहे हैं तो मैटर की स्टेट चेंज हो जाएगी, नहीं सॉलिड बन जाएगा. जैसे हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, प्रेशर डिक्रीज करने का मतलब पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं, मैटर की स्टेट चेंज हो जाएगी, गैस में चला जाएगा. दूसरी बात, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करेंगे. अब सीधी सी बात है, टेम्परेचर कम करेंगे, ठंड में क्या होता है टेम्परेचर कम होता है तो सब लोग आप लोग क्या होते हैं पास पास बैठते हैं, यानी जब टेम्परेचर कम होता है तो पार्टिकल्स कैसे रहते हैं पास. अब गर्मी आ जाए, गर्मी में कोई पास पास बैठना पसंद करता है, गर्मी लगती है ना, तो इट मीन्स टेम्परेचर ज्यादा होता है. जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं दूर हो जाते हैं, जब दूर हो जाएंगे तो मैटर की स्टेट चेंज हो जाएगी, यानी वो क्या बन जाएगा गैस. अगर ठंड होगी तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे पास, तो मैटर की स्टेट कौन सी हो जाएगी सॉलिड. तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे इंटर कन्वर्जन देखना है. तो कैसे, बाय चेंजिंग टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब टेम्परेचर जैसे गर्मी टेम्परेचर ज्यादा होता है, यानी जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो पार्टिकल्स के जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं पार्टिकल्स क्या गेन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, उनमें काइनेटिक एनर्जी आएगी, एनर्जी की वजह से वो तेजी से मोशन में आते हैं, बहुत तेजी से मूव करते हैं. अब जब तेजी से ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो उन पार्टिकल के बीच में स्पेस बन जाएगा और मैटर की स्टेट चेंज हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि जब पार्टिकल्स तेजी से मूव करेंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखाई नहीं दे रहा, देख रहे हैं आसानी से मूव करें इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. सो वी कैन से द मैटर स्टेट इज, सो वी कैन से मैटर स्टेट चेंज इन टू अनदर स्टेट एंड दैट इज कॉल्ड द सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस. मैटर की स्टेट चेंज जाएगी, वो सॉलिड से लिक्विड में चला जाएगा या लिक्विड से गैस में. उल्टा करके देखते हैं, व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर. अब हम टेम्परेचर को उल्टा कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं. व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं पार्टिकल्स लूज देयर काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, जैसे ही हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल की जब ठंड होती है,
ठंड में आपकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो आप ना हाथ नहीं चलाता, लेजीनेस रहता है, अरे बैठे रहे काम नहीं कर रहे ऐसे इस टाइप से. सो व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर डिक्रीज रहता है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती है, जिसके कारण पार्टिकल्स पास पास रहते हैं. सो वी कैन से पार्टिकल्स कम क्लोज, पार्टिकल्स आपस में पास पास रहते हैं बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस. ठीक है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, बढ़ जाता है एंड मैटर स्टेट चेंज. अब मान लो ठंड है, ठंड में तो सब लोग दो लोग आपस में पास पास बैठ जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है. तो वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो पार्टिकल्स की मोशन कम हो जाती है, सो दे कम क्लोज. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई और पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है, नहीं गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड में चला जाता है. ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, बाय चेंजिंग ऑफ प्रेशर. वो सेम पॉइंट है, प्रेशर जब अप्लाई करते हैं तो दो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, माना उसको पुश कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स क्लोज हो जाते हैं. क्लोज आने का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एंड मैटर स्टेट चेंज किसमें आ जाएगी, पास आ रहे हैं गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड में चला जाएगा. लेकिन जैसे ही प्रेशर हटाते हैं, अब ये पास प्रेशर हटा रही हूँ तो पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, मैटर की स्टेट फिर से चेंज हो जाएगी प्रेशर हटाते ही. इट मींस दूर होने का मतलब हो गया सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है ये इंटरकन्वर्जन देख के डिफाइन. जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में जाती है, दिस कंडीशन इज कंफ्यूजिंग इन मेल्टिंग. अगर डेफिनेशन पूछे व्हाट इज द मेल्टिंग, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड ऑफ फ्यूजन कहलाता है. वापस लिक्विड से सॉलिड में बनना दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन कहलाता है. एक लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. सॉलिड से डायरेक्ट गैस का बनना, गैस से डायरेक्ट सॉलिड का बनना दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन कहलाता है. क्या कहलाता है, सब्लिमेशन. अब देखिए जब एक चीज सॉलिड से लिक्विड में जाती है यानी वो मेल्ट हो रही है, इट टेक प्लेस एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड टेक्स प्लेस एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर होता है दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट. सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज सेम एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी और बर्फ दोनों एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट इज द पॉइंट व्हेन द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड चेंज इनटू गैस. जब एक लिक्विड किस में जाता है, गैस में जाता है, टेक्स प्लेस एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर होता है दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट. क्या कहलाता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस टेक्स प्लेस एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, तो पानी और भाप यानी स्टीम दोनों एग्जिस्ट करते हैं. 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी से भाप बन रही है, तो भाप भी एग्जिस्ट कर रही है और वाटर भी एग्जिस्ट कर रहा है. सो वी कैन से एट द 100 डिग्री सेल्सियस बोथ स्टेट ऑफ वाटर एग्जिस्ट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सब्लिमेशन. वट इज द मीनिंग ऑफ सब्लिमेशन, यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस का बनना और वाइस वर्सा. इट इज अ प्रोसेस ऑफ सॉलिड डायरेक्टली चेंज इन टू गैस, सॉलिड का डायरेक्टली गैस में जाना एंड गैस टू डायरेक्ट सॉलिड में जाना, गैस का सॉलिड में जाना, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. क्या कहलाता है, सब्लिमेशन. एंड द सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन आर कॉल्ड सब्लिमेट सब्सटेंसेस लाइक कैम्फर. देखिए कैम्फर जलाते हैं पूजा में, तो आपने देखा होगा वो सॉलिड है और तुरंत वेपोराइज हो जाता है, लिक्विड नहीं देता. इट मींस द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली चेंज टू गैस विदाउट लिविंग एनी, विदाउट गोइंग इन टू द लिक्विड स्टेट. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन. नेफ्थलीन, नेफ्थलीन ऑल्सो, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ड्राई आइस. ड्राई आइस का मतलब है आइस, लुक लाइक आइस बट इट डज नॉट आइस, इट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. सो इट इट इज अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कौन सी स्टेट, सॉलिड स्टेट, जो देखने में तो बर्फ जैसी है. ठीक है, बट इट डज नॉट, जैसे हम पानी की बर्फ को हाथ में लेते हैं तो गीला कर देते हैं लेकिन ये गीला नहीं करती. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ड्राई आइस. क्या कहलाती है, ड्राई आइस. ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस. मतलब गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किसमें कन्वर्ट किया गया, सॉलिड में. सो ऑब्वियसली जब गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप मेथड अप्लाई करेंगे इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर और रिड्यूसिंग ऑफ टेम्परेचर. जब हम ये दो मेथड अप्लाई करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर हाई करते हैं, इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर, आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सॉलिड स्टेट में लाना है. सॉलिड का मतलब है पार्टिकल्स बहुत ज्यादा ऐसे क्लोज हैं. क्लोज होने का मतलब हो गया आप प्रेशर को इंक्रीज करें, बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं प्रेशर और टेम्परेचर को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं. तो गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं एंड डायरेक्टली सॉलिड चेंज, सॉरी गैस कन्वर्ट इनटू द सॉलिड स्टेट. किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड. सो व्हेन वी अप्लाई द हाई प्रेशर एंड रिड्यूसिंग ऑफ टेम्परेचर, गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली चेंज इनटू द सॉलिड स्टेट. और वाइस वर्सा उल्टा है, अगर मैं प्रेशर को यहां पर रिड्यूस कर दूं और टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो देन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर कन्वर्ट इनटू द गैस. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब्लिमेट सब्सटेंस. क्या कहलाती है, सब्लिमेट सब्सटेंस कहलाती है. इट लुक लाइक आइस बट इट डज नॉट वेट अवर हैंड, हमारे हाथ को गीला नहीं करती, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ड्राई आइस. क्या कहलाती है, ये ड्राई आइस कहलाती है. ठीक है, आपने इसका एक डायग्राम देखते हैं जरा.
इसका डायग्राम है आपके पास, ये देखेंगे। ठीक है, ये डायग्राम हमारा है, ये आपका है सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, सब्लिमेशन है, यहाँ पर बर्नर ये आपका ये लगा हुआ है इस टाइप से। सब्लिमेट सब्सटेंस ये क्या करते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड, आपने चाइना डिश ले रखी है। ठीक है, चाइना डिश है, इसमें हमने कुछ अमोनियम क्लोराइड का कर आ रहे हैं, ऊपर से एक फनल लगा दी उल्टी करके, यहाँ से स्मोक बाहर निकले, इसका धुआं बाहर निकले, गैस बाहर निकले, तो हम इसके ऊपर क्या करते हैं कॉटन प्लग लगा देते हैं। अब जैसे क्योंकि ये एक नेफ्थलीन जो है एक सब्लिमेट है, तो डायरेक्टली सॉलिड टू गैसेस में जाएगा, वेपर्स बनेंगी, अब बाहर निकलने की जगह नहीं है, तो ये अंदर ही कंडेंस हो जाएंगी, यानी जैसे ठंडी होंगी वेपर्स फर्दर कन्वर्ट हो सॉलिड, तो वो इस पर स्टिक हो जाएंगी। जब पूरा मटेरियल कन्वर्ट हो जाएगा तो आप इसमें से स्क्रैच करके आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा मैटर। सो दैट दिस एग्जांपल इज शो द सब्लिमेशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके पास आता है लेटेंट हीट क्या होती है। देखो लेटेंट हीट क्या होती है कि इट इज अ हिडन हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। लेटेंट हीट का मतलब होता है वो हीट जो हमें किसी भी जो कि हीट हमें रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब देखिए मेल्टिंग एक सर्टेन पॉइंट पर हो रही है, ठीक, बॉइलिंग भी एक सर्टेन टेम्परेचर पर हो रही है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब माना पानी को बॉइल कर रहे हैं, ठीक है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस बॉइल होता है, लेकिन आप देखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, तो फिर आप तो कंटिन्यूअसली उस बर्तन को गैस पर रखे हुए बर्नर हीट दे रहे हैं। जब हम कंटिन्यूअसली उसको हीट दे रहे हैं पानी को, तो फिर टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। तो बात यह है टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि पानी के पार्टिकल्स, सभी पार्टिकल्स किसमें चेंज, पानी के जितने पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पूरा ब्रेक हो जाता है एंड मैटर चेंज इन टू द गैस स्टेट। किसमें चला जाता है, गैस स्टेट में, यानी द हीट दैट इज गिवन बाय अस दैट इज यूटिलाइज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखिए एक बार मैं डायग्राम से समझा देती हूँ दोबारा से लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट क्या होती है, एक हिडन हीट है। अगर मैं मान लो कहूं कि इसमें पानी बॉइल कर रहे हैं, तो पानी के पार्टिकल्स हैं, ये सारे पानी के पार्टिकल्स हैं, समझे बात। इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन पार्टिकल्स के यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इट मीन्स कि इस पार्ट जैसे पानी बॉइल कब होता है, पानी बॉइल होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस आएगा वाटर स्टार्ट टू बॉइल, यानी दिस फोर्स स्टार्ट टू ब्रेक। इन पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स क्या होगा, फोर्स ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फोर्स क्या होगा, ब्रेक। जैसे फोर्स यहां पर ब्रेक होगा, अब क्या होगा कि अब देखिए सभी पार्टिकल्स के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक नहीं हुआ, कुछ ही पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुआ, इट मीन वाटर स्टार्ट टू गोइंग इन टू द गैस स्टेट। लेकिन हमें तो क्या करना है, पूरा वाटर किसमें चाहिए, गैस स्टेट में, तो सभी पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है इसको तोड़ने के लिए हीट चाहिए। सो दैट इज हीट इट इज यूटिलाइज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। पूरे पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो आप हीट देते हैं, दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। क्या कहलाती है, लेटेंट हीट, यानी आप 100 डिग्री सेल्सियस पर तो देख रहे हैं कुछ ही पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ब्रेक हुआ है, यानी वाटर स्टार्ट टू बॉइल, यानी गैस स्टेट में जाने लगा, लेकिन सभी पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं ब्रेक हुआ, तो आप तो कंटिन्यूअसली आपको हीट देनी ही पड़ेगी, तब जाके वो सारा फोर्स क्या होगा, ब्रेक होगा। इट मींस फिर हम क्या देखते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस से आप तो हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, लेकिन आप तो हीट कंटिन्यूअसली दे रहे हो, तो वो हीट कहाँ जा रही है, कहाँ गई, इट दैट दिस इज यूटिलाइज टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब तो छिपी हुई, हिडन, जो हमें दिखाई नहीं दे रही, हमें दिखाई सिर्फ ये दी, दिखाई ये नहीं दी, इट मीन्स दैट इज यूटिलाइज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलरली यहाँ पर सेम एग्जाम्पल, दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्योंकि अब यहाँ पर कितने पानी लिया है, तो 1 किलोग्राम की बात करेंगे, 1 किलोग्राम वाटर को गैस में कन्वर्ट करने के लिए द हीट इज यूटिलाइज, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से माना मैंने पानी बर्फ ली, ये आइस क्रिस्टल्स हैं, अब मान लो मैंने इसको गर्म किया, तो मैंने देखा जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर आता है, आइस जस्ट ये ब्रेक हो जाता है, फोर्स ब्रेक हो जाता है एंड आइस स्टार्ट टू मेल्ट, मेल्ट होना शुरू कर देती। अब आप इसको कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर को देखते जाएंगे, तो आप देखेंगे टेम्परेचर 0 से आगे नहीं बढ़ रहा, जबकि आप तो कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हैं। सो दिस हीट इज यूटिलाइज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। इस पूरी बर्फ के पार्टिकल्स के बीच में, सभी पार्टिकल्स के बीच जितना फोर्स है सबको ब्रेक करेगी। सो दिस इज कॉल्ड द हिडन हीट, हिडन हीट दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। क्या कहलाती है, ये लेटेंट हीट, एंड दिस इज बिकॉज इट कन्वर्ट द सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है। कितना सॉलिड, पर्टिकुलर अमाउंट में सॉलिड लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड चेंज इन टू द लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट
ऑफ फ्यूजन कहलाती है. क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. समझ रहे बात? तो ये होगी. आगे नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया आपका लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट आगे देखते हैं स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए तीन स्केल है यहाँ पर, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल और फारेनहाइट स्केल. आपके सिलेबस में केवल दो है सेल्सियस और केल्विन का. इनका कन्वर्जन मैं एक बार समझा देती हूँ आपको. आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है इधर देखेंगे. डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन प्लस 273. इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे. ठीक है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन प्लस 273. यानी अगर हमें कोई भी टेम्परेचर को चेंज करना है केल्विन से, एक सेकेंड, मान लीजिए अगर हमें चेंज करना है कोई भी टेम्परेचर, जैसे हम लेते हैं डिग्री सेल्सियस को, सॉरी ये वाला एक मिनट, ये रॉन्ग है. हाँ इधर देखिए, हमारे पास फॉर्मूला है सेल्सियस इज इक्वल टू होता है केल्विन माइनस 273, या हम कह सकते हैं के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. ये हमारे पास फॉर्मूले हैं. ये वाला कैंसिल, सॉरी ये देखेंगे केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. अगर मैं कहूं कि मेरे पास 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उसको हम कन्वर्ट करें केल्विन पे, तो कैसे जाएंगे? के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. ऑब्वियसली ये याद रखना, जब भी डिग्री सेल्सियस से, देखो इधर देखेंगे, जब भी हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन पे जाएंगे, डिग्री सेल्सियस से केल्विन पे जाएंगे तो क्या प्लस करेंगे? 273. उस अमाउंट में 273 प्लस कर देंगे. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आपके पास 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है किसी चीज का, या 75 है या 55 है, तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करिए. तो मान लो मैंने कहा कि मेरे पास है, सपोज दैट मैंने एग्जांपल दे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है किसी चीज का और उसको कन्वर्ट करेंगे आप केल्विन में, तो 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 प्लस कर देंगे. ठीक है, अगर मैं कहूँ मेरे पास, मुझे उसको केल्विन में कन्वर्ट कर, सॉरी डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, या आपके पास आ गया डिग्री सेल्सियस से केल्विन पे जाएंगे. अब हम क्या करेंगे? केल्विन से सेल्सियस पे जाएंगे, उल्टा कर रहे हैं, केल्विन से सेल्सियस पे जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? 273 माइनस पे कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे, माइनस करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला होगा के इजगल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये याद रखेंगे, या फिर सी इजगल टू के माइनस 273. ये दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे. किसी भी चीज को माना डिग्री सेल्सियस से केल्विन पे जाते हैं तो 273 प्लस करेंगे, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस पे आएंगे, हाँ केल्विन से डिग्री सेल्सियस पे आएंगे तो आप 273 माइनस करेंगे. ठीक है, मान लीजिए मैं कहूं कि मेरे पास 300 केल्विन है, 300 केल्विन को चेंज करो डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करूंगी? डिग्री सेल्सियस इक्वल 300 केल्विन, 300 यहां लिखेंगे, 300 केल्विन माइनस 273. अगर मैं कहूँ मान लो 50 केल्विन है, 50 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करो, तो ये याद रखना ये वैल्यू कम है, तो आपको हमेशा माइनस 273 करना है. ठीक है, माइनस करना है, चाहे वो वैल्यू छोटी हो केल्विन की चाहे बड़ी हो, आपको उसी में से 273 माइनस करना है. तो मैंने मान लो कहा कि मैंने 50 केल्विन है, 50 केल्विन को मुझे चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, तो क्या लिखूंगी? 50 केल्विन, तो मेरे पास होगा डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, यानी 50 केल्विन माइनस 273, ऐसे चेंज करेंगे. ये याद रखना 273 को माइनस में पुट करना, ये आपका हो गया टेम्परेचर कन्वर्जन. नेक्स्ट पॉइंट है इवेपोरेशन. इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, एक लिक्विड का, किसी भी एक लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, ये तो बॉइलिंग भी था, लेकिन यहाँ पर एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है. ठीक है, जब एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट अचीविंग द बॉइलिंग पॉइंट, बिना बॉइलिंग पॉइंट को अचीव किए, बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं होता, लेकिन एक लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैसेस स्टेट में, दैट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन. क्या कहलाता है वो? इवेपोरेशन. सो द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इन टू गैस दैट टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एक लिक्विड एक गैसेस स्टेट में चला जाता है विदाउट गेनिंग द बॉइलिंग पॉइंट, बिना बॉइलिंग पॉइंट अचीव किए, यानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं पहुंचता, लेकिन फिर भी एक लिक्विड किसमें चला जाता है? गैसेस स्टेट में. जैसे फॉर एग्जाम्पल गर्मी है, पोछा लगाते हैं, जमीन पर पोछा लगाया तो आप देखो हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर तो 100 नहीं है, तो फिर वो पानी कहाँ चला जाता है? सूख जाता है. क्यों? क्योंकि वो सराउंडिंग से हीट लेकर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. माना गड्ढे में पानी भरा हुआ है, वो धीरे धीरे गड्ढा सूख गया. क्यों ऐसा हुआ? क्यों हमारी सराउंडिंग का टेम्परेचर तो 100 नहीं है, क्योंकि वो सराउंडिंग से बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक लिक्विड धीरे धीरे किसमें चेंज हो जाता है? गैस स्टेट में, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट. सो दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. क्या कहलाता है? इवेपोरेशन. फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ इज ड्यू टू इवेपोरेशन. गीले कपड़े सुखाते हैं तो सूख क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर तो 100 नहीं है, फिर कैसे सूख रहे हैं? क्योंकि जो पानी है वो धीरे धीरे बिलो द बॉइलिंग पॉइंट किसमें चेंज हो जाता है? गैस स्टेट में चला जाता है. ठीक है, तो सो हमारे पास ये जो है कुछ डिफरेंस पॉइंट है,
बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन. बॉइलिंग अकर्स एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये याद रखेंगे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर होती है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, एंड इवेपोरेशन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होता है. अब दूसरी बात, बॉइलिंग तो बहुत फास्ट होती है, इसको आप हीट दे रहे हैं, इसमें कोई हीट देने की जरूरत नहीं है. द हीट इज नीडेड दैट इज टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग, या सराउंडिंग से हीट लेता है. दूसरी बात, इवेपोरेशन बहुत स्लो होता है, जितना बॉइलिंग बहुत फास्ट होता है ये स्लो प्रोसेस है. नेक्स्ट है इट इज, यहां देखेंगे, देखिए बॉइलिंग जब भी होती है इसमें बल्क फिनोमेना, बबल बल्क में होते, पूरे बल्क में एवेपोरेशन सरफेस होता है. इसको देखेंगे कैसे होता है. देखिए जब आप बॉइलिंग कर रहे हैं, तो माना एक कंटेनर में जब बॉइल कर रहे हैं तो आप हीट कर रहे हैं उसको. बॉइलिंग में क्या होता है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इस टाइप से वाटर के मॉलिक्यूल्स, जब आप हीट देखेंगे, हीट देंगे तो नीचे के पार्टिकल्स पहले हीट लेंगे, ये सारे नीचे के पार्टिकल हल्के होकर ऊपर आ जाएंगे, ऊपर के भारी पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे. तो इस टाइप से पूरे बल्क में यूनिफॉर्मली हीट आ जाएगी, उसके बाद वाटर स्टार्ट टू गोइंग इन टू द गैस स्टेट. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बल्क फिनोमिना. अब यहां पर बात करते हैं, ये वाटर है सरफेस पर, ठीक है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है सरफेस पर, पानी पड़ा हुआ जमीन पर, कुछ पानी है, तो क्या होगा, ये लेयर बाय लेयर होता है, लेयर लेयर बाय लेयर चलता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सरफेस फिनोमेना, बिकॉज द हीट इज टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग. अब यहां पर हीट तो हम नीचे से दे रहे हैं, हम कहां से हीट दे रहे हैं, सराउंडिंग से हीट दे रहे हैं. अभी सराउंडिंग से हीट ले रहा है तो क्या होता है, सबसे पहले ऊपर के मॉलिक्यूल, सबसे पहले ऊपर की लेयर के मॉलिक्यूल सराउंडिंग से हीट लेकर, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर की लेयर के, तो सराउंडिंग से हीट लेंगे, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा और वाटर पार्टिकल्स चेंज इन टू द गैस स्टेट, गोज इन टू द वेपर्स, चले जाएंगे. फिर जब ये पार्टिकल्स की बारी खत्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट पार्टिकल, अब नेक्स्ट पार्टिकल नीचे से हीट, सॉरी सराउंडिंग से हीट लेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा एंड देन गोज इनटू द गैस स्टेट. और इस टाइप से लेयर बाय लेयर प्रोसेस चलता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सरफेस फिनोमिना. क्या कहलाता है ये, सरफेस फिनोमिना. दैट्स व्हाई इट इज द स्लो प्रोसेस एंड दैट्स व्हाई इट इज द फास्ट प्रोसेस. कैसा प्रोसेस है ये, फास्ट प्रोसेस होता है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बबल्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट दे रहे हैं ना आप, तो यहाँ पे बहुत जल्दी प्रोसेस होता है, बबल्स बनते हैं. लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ बबल्स का कोई काम नहीं है. दूसरी बात, इसमें आप हीट दे रहे हैं, लेकिन ये हीट कहां से लेता है, सराउंडिंग से लेता है, इवेपोरेशन में. तो जब भी इवेपोरेशन में सराउंडिंग से हीट ले जाएगी, जिस चीज से वो हीट ले रहा है उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली कम हो जाएगा. सो वी कैन से कूलिंग इफेक्ट इज क्रिएटेड. यहाँ पर इवेपोरेशन में कूलिंग इफेक्ट आता है, बॉइलिंग से कोई कूलिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखेंगे. नो कूलिंग इफेक्ट इज क्रिएटेड थ्रू द बॉइलिंग, बट इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट इज क्रिएटेड. नेक्स्ट पॉइंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस एरिया, इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीज. जैसे हम एरिया बढ़ा देते हैं, किसी चीज का एरिया बढ़ जाता है, तो आप देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ वाटर गेट्स मोर चांस टू एक्सपोज इन एयर. इसका मतलब जैसे आप एरिया बढ़ा देंगे, देखिए जैसे माना मैंने इसे पानी ऐसे फैला दिया, इससे पानी फैल गया, तो जो पार्टिकल्स हैं उनको स्पेस मिल जाएगा. देखिए सपोज दैट, मैं इसको कैसे समझाती हूँ कि सपोज दैट मैंने एक थोड़े से स्पेस में पानी था, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे, लेकिन मैंने अभी इसी चीज का एरिया बढ़ा दिया, तो जो नीचे के पार्टिकल्स है उनको भी ऊपर आने का स्पेस मिल जाएगा. ये एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो नीचे के पार्टिकल्स नीचे क्यों रहेंगे, वो भी ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, तो वो भी जल्दी है क्या होंगे, इवेपोरेशन जितनी जल्दी ये हो रहे हैं उतनी जल्दी ये भी होंगे, तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा. टेम्परेचर, ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाते तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जल्दी इवेपोरेशन होता है. ह्यूमिडिटी, अब ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर इन द एयर, हमारी एयर में पहले से ही ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, तो अब इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब नीचे से जो वाटर वेपर्स ऊपर जाएंगी, ऊपर तो ऑलरेडी वाटर पेपर्स हैं, तो वो कहां जाएंगे, नीचे वाली कहां जाएंगे, उनको ऊपर जगह नहीं मिलेगी, तो इवेपोरेशन की रेट क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है. यानी ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर इन द एयर, हमारी एयर में ऑलरेडी वाटर पेपर्स हैं, अब जब इवेपोरेशन हो रहा है तो नीचे से जाने वाली जो वाटर पेपर्स हैं उनको ऊपर कोई जगह नहीं देगा, कह देगा हमारी तो सीट भरी हुई है, हम कहां जाएं, तो वहां पर पूरी जगह उनकी क्या होती है, फिल होती है, तो इट मींस कि इवेपोरेशन की रेट स्लो हो जाएगी. नेक्स्ट है विंड स्पीड. अब क्या होता है, तेज हवा चलती है, जब तेज हवा चलती है तो एक पर्टिकुलर एरिया की जो मॉइस्चर होता है, यानी जो वाटर वेपर्स होती है, वो हवा के साथ चली जाती है, यानी जब मॉइस्चर होता है वो हवा के साथ चला गया तो वो जगह खाली हो गई और इवेपोरेशन क्या होता है, फास्ट हो जाता है. समझ रहे हैं, जब आप एक पर्टिकुलर एरिया में वाटर मॉइस्चर रहता है और तेज हवा चल रही है, तो तेज हवा अपने साथ किसको ले जाएगी, उस मॉइस्चर को भी अपने साथ ले जाएगी, तो जिसके कारण वो स्पेस जो होता है वैकेंट हो जाएगा, और नीचे से इवेपोरेशन के द्वारा जो वाटर वेपर जाएंगे उनको स्पेस मिल जाएगा. सो वी कैन से व्हेन द विंड स्पीड इज इंक्रीज्ड, एवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस, ह्यूमिडिटी इज इंक्रीज्ड, एवेपोरेशन डिक्रीजेस, टेम्परेचर इज इंक्रीज, ऑब्वियसली इवेपोरेशन इज इंक्रीज, सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड, बिकॉज द मोर चांस टू एक्सपोज ऑफ द पार्टिकल, टू एक्सपोज इन द एयर ऑफ द पार्टिकल, सो दैट्स इवेपोरेशन आल्सो बिकम्स फास्ट व्हेन इंक्रीज द सरफेस एरिया.
नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ द लिक्विड. लिक्विड कैसा है, मान लो दो लिक्विड है, एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. तो ऑब्वियसली जब आप उसको हीट दे रहे हो दोनों लिक्विड को, तो कौन सा वो जल्दी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है पहले वो अचीव होगा, उसका जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो देर से अचीव किया जाएगा पॉइंट. तो इट मीन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है पहले वो जल्दी वेपोराइज होगा. तो ऑब्वियसली द लिक्विड विच हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेट फास्टर, वो इवेपोरेट जल्दी होता है. नेक्स्ट पॉइंट इवेपोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट, ये आपको मैंने अभी क्लियर कर ही दिया कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट. फॉर द इवेपोरेशन पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है, क्योंकि इवेपोरेशन क्रिएट करता है कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि वो हीट कहां से ले रहा है, आप उसमें कोई एक्सटर्नल हीट तो दे नहीं रहे, हीट कहां से ले रहा है सराउंडिंग से, और सराउंडिंग से जब कोई चीज हीट लेता है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा. सो वी कैन से इट क्रिएट्स अ कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है. नेक्स्ट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम रिलेटेड डेली लाइफ एग्जाम्पल विद द कूलिंग इफेक्ट. कूलिंग इफेक्ट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. कॉटन क्लॉथ आर यूज टू वियर ड्यूरिंग समर, गर्मी के दिनों में हम सिंथेटिक क्लॉथ नहीं अच्छा लगता है. कॉटन क्यों, क्योंकि कॉटन का जो कपड़ा होता है वो अच्छा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और धीरे धीरे जब पानी इसमें यानी हमारा स्वेट एब्जॉर्ब रहेगा तो धीरे धीरे एवोपरेट होता रहेगा बाय टेकिंग द टेम्परेचर फ्रॉम अवर बॉडी. और वो एवोपरेशन के लिए हीट कहां से लेगा, हमारी बॉडी से तो हीट लेगा, कुछ कॉन्टेक्ट में उसी से लेगा, और जिसके कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और हमें अच्छा ठंडा का महसूस होगा, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ऑफ फ्लोर, गर्मी के दिनों में छत पर पानी डालो, बाहर पानी डालो, तो अच्छा क्यों लगता है, लोग पानी डालते क्यों, क्योंकि छत गर्म हो जाती है, जैसे आप उसमें पानी डालेंगे उसको करने के लिए, क्योंकि जैसे आप पानी डालते हैं वाटर एवोपरेट होगा, ठीक है, वो वाटर एवोपरेशन के लिए हीट कहां से लेगा, आपकी छत से लेगा, इट मींस जो छत होगी उसका जो टेम्परेचर है कूल हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण से कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, यानी ठंडक आती है. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि इन समर वी गेट रिलीफ अंडर ए फैन, सेम पॉइंट है कि फैन, हम गर्मी के दिनों में फैन अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि देखिए गर्मी के दिनों पसीना तो बॉडी से आ ही रहा है, अब वो हो रहा है एवोपरेट तो हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हम पंखे के कारण विंड स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, रेट ऑफ एवोपरेशन फास्ट हो जाती है, जैसे हम पंखा चलता है एवोपरेशन की रेट क्या होती है, फास्ट हो जाती है. मैंने आपको बताया था कि जो फैन होता है हमारे फैन मतलब विंड स्पीड क्रिएट कर रहा है, सो इट इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन, तो एवोपरेशन की रेट इंक्रीज करेगा, इट मीन्स हमारा जो स्वेट है बहुत जल्दी जल्दी एवोपरेट होगा एंड कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होगा. सो वी कैन से व्हेन वी गेट रिलीफ अंडर ए फैन बिकॉज फैन इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन, सो दैट्स वाई मोर कूलिंग इफेक्ट इज क्रिएटेड इन द केस, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आप क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बुक के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ऑल ऑफ द क्वेश्चन सो दैट यू कैन रिवाइंड द होल चैप्टर एंड फर्स्ट चैप्टर इज कम्प्लीटेड नाउ, ठीक है. इसमें देखते हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग, मैटर इन अवर सराउंडिंग में आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन इज दैट की विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैटर, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, एलिमेंट्स, थ्रू, ये सब आप कर लेंगे, कौन सी चीज, अब जो चीज मैटर जो पार्टिकल से बनी, अब जैसे जो आपकी फीलिंग्स हैं, लव है ये तो आपके नहीं है, स्मेल है ये तो आपकी वो है, हेट है ये आपका क्या है, एक कह सकते हैं कि जिन इनमें क्या नहीं है, ये आपकी फीलिंग्स है तो ये आपकी मैटर नहीं है, ठीक है. स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है, ये स्मेल नहीं है, स्मेल एक फीलिंग है. नेक्स्ट पॉइंट है द स्मेल ऑफ हॉट फूड रीचेस सेवरल मीटर अवे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ऑब्वियसली डिफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज द पार्टिकल्स मूव हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन. नेक्स्ट है ए ड्राइवर इज एबल टू कट वाटर इन अ स्विमिंग पूल, कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग, आसानी से वो पानी में क्यों कर पाता है, ड्राइव कर सकता है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज शो, क्योंकि अपना हाथ पानी में चला रहा है, बिकॉज वाटर पार्टिकल, हम सॉलिड में क्यों नहीं चला सकते, लकड़ी में क्यों नहीं चला सकते हैं अपने हाथ को, बिकॉज द वाटर पार्टिकल्स हैज सम स्पेस बिटवीन देम, ये प्रॉपर्टी शो होती है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये आपको बताई दिया मैंने अभी, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स की. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज डेंसिटी, सो अब किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, एयर एयर की, एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी, हनी, वाटर, चौक, कॉटन, ओब्वियसली आयरन की डेंसिटी ज्यादा है, चौक की डेंसिटी ज्यादा है, तो ऐसे अरेंज करना है किसकी डेंसिटी ज्यादा है और किसकी डेंसिटी कम है. फिर इसके बाद टेबलेट डिफरेंस बिटवीन द करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर आप कैसे होती है ये देखना है, तीन स्टेट ऑफ मैटर है उनका डिफरेंस है, अभी मैंने आपको बताया सॉलिड, लिक्विड और गैस का. कमेंट अपन द फॉलोइंग, रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब इनफ्लेक्सिबल, डू नॉट बेंड, जिनको हम बेंड नहीं कर सकते रिजिड होती है. कंप्रेसिबिलिटी, द फ्लैटेंड, जिस चीज को हम दबा सकते हैं, फ्लैटेंड कैन बी कम फ्लैटेंड, तो सॉलिड को फ्लैट नहीं कर सकते. फ्लूडिटी, कैन बी फ्लो, फ्लो होने की प्रॉपर्टी. फिलिंग अ गैस कंटेनर, कौन सी चीज गैस कंटेनर को फिल कर सकती है, ऑब्वियसली द प्रॉपर्टी इन विच
फिलिंग द गैस कंटेनर मतलब प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव फ्रीली. देखिए इस पॉइंट में क्या कहता है, फिलिंग ए गैस कंटेनर पार्टिकल ऑफ गैस मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन. आप जानते हैं पार्टिकल्स गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है. सो दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एंड दे मूव रेंडमली बहुत तेजी से इधर उधर भागते हैं जिसकी वजह से पूरा स्पेस अराउंड कर लेते हैं. सो दे ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस. सो दैट्स वाई गैस फिल द कंटेनर कंप्लीटली. कौन फिल कर सकता है पूरी तरह से उस कंटेनर को, कौन फिल कर सकता है, गैस फिल कर सकती है बिकॉज ऑफ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट देखते हैं काइनेटिक एनर्जी. द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यू टू देयर मूवमेंट इज कॉल्ड देयर काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शेप हो गया, द ज्योमेट्री फिक्स शेप जिसकी फिक्स बाउंड्रीज होती है, फिक्स शेप होती है काइनेटिक एनर्जी, ये बताई दी आपको. डेंसिटी हो गया. नेक्स्ट आगे देखते हैं, हाँ लिक्विड्स जनरली हैव लो डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड. तो आइस क्यों पानी पर फ्लोट करती है, आइस क्यों पानी पर फ्लोट करती है क्योंकि आइस के पार्टिकल्स के जो बीच में होता है, जो आइस से बनती है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस रह जाता है जिसकी वजह से आइस की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम रहती है और यही कारण है कि आइस जो है पानी पर फ्लोट करती है. तो याद रखें आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है, दैट्स वाई इट कैन फ्लोट ऑन द वाटर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि ये सारा हो गया आपका. नेक्स्ट देखेंगे इधर क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल. सेल्सियस स्केल पर कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, केल्विन से सेल्सियस पे जाएंगे तो इनमें से 273 माइनस कर देंगे. केल्विन से सेल्सियस पे जा रहे हैं ना तो आप 273 माइनस करेंगे, 300 माइनस 273 हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा. वॉट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, 250 डिग्री सेल्सियस ऑब्वियसली गैस स्टेट होती है, 100 डिग्री सेल्सियस दोनों स्टेट एग्जिस्ट करती है, पानी भी और गैस भी. फॉर एनी इंस्टेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. जब एक मैटर की स्टेट चेंज होती है टेम्परेचर क्यों रहता है, फिक्स क्यों रहता है, क्योंकि जब आप हीट दे रहे हो वो हीट क्या काम करती है, सभी पूरा मैटर रहे जितने भी उस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, पूरे मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको ब्रेक करने में काम आ जाती है. सो वी कैन से फॉर एनी इंस्टेंट वाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट बिकॉज द ऑल द हीट दैट इज यूटिलाइज. So we can say the heat that is utilized to break the force of attraction between the particles of matter. So for any instant, ठीक है, suggest a method to liquefy atmospheric gases. हम किसी भी गैस को कैसे liquefy कर सकते हैं. There we have two method. Reducing of temperature, है ना, गैस को liquefy करना है. गैस को किस में करना है, टू liquefy, liquefy करना है यानी जब हम गैस को लिक्विड स्टेट बनाएंगे तो हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा बाय अप्लाइंग ऑफ प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर एंड डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर. यानी जब हम गैस को लिक्विफाई कर रहे हैं, देखो सजेस्टिव मेथड टू लिक्विफाई एटमोस्फेरिक गैस, यानी हम गैस को लिक्विड स्टेट में ला रहे हैं. गैस को लिक्विड स्टेट में लाने का मतलब हो गया कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो आपको पार्टिकल्स का स्पेस कम करना पड़ेगा. सो वी हैव टू अप्लाई हाई प्रेशर. जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे एंड रिड्यूस करेंगे टेम्परेचर तो स्पेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो स्पेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. सो वी कैन से गैस कन्वर्ट इन टू द लिक्विड स्टेट. किस में चली जाएगी, लिक्विड स्टेट में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हाँ ये हो गया ना. नेक्स्ट है व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे. तो ये कूलर ठंडी हवा क्यों करता है, देखिए कूलर जो है कूलर के अंदर जो पानी फिल किया जाता है वो धीरे धीरे क्या होता है सराउंडिंग के टेम्परेचर से हीट लेता है और इवेपोरेट हो जाता है जिसके कारण सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है और इस इवेपोरेशन में हेल्प करता है अंदर का जो फैन लगा होता है. डेजर्ट कूलर में जो पंखा लगा होता है इवेपोरेशन की रेट को बढ़ा देता है और जल्दी ठंडा करती है. लेकिन अगर मैं यही बात करूं गर्मी में जब बारिश के दिन होते हैं उनमें तो नहीं करता इतनी ठंडक, क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी ऑलरेडी होती है तो नीचे से जाने वाली वाटर वेपर से उनको स्पेस नहीं मिलता, यही कारण है कि वहां पर ठंडक नहीं आ पाती. नेक्स्ट है हाउ डज द वाटर कैप्ड इन अर्थन पॉट बिकम कूल. पानी ठंडा क्यों होता है, सेम पॉइंट इज दैट कि जब मिट्टी से बना है तो मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहता है, तो जब आप पानी फिल करते हैं पानी रिसिस्टेंट पार्टिकल पोर्स को भर देता है एंड दैट्स इवेपोरेटेड बाय टेकिंग हीट फ्रॉम द वाटर. अंदर से पानी से हीट लेता है वो अंदर से जो मटके के अंदर से हीट लेता है जिसके कारण टेम्परेचर क्या होता है वो डिक्रीज हो जाता है और पानी ठंडा हो जाता है. सेम पॉइंट इज दैट वाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन परफ्यूम ऑन इट. हम वही सेम है कि हम अपने हथेली पर कुछ एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर अगर रखते हैं तो ठंडक क्यों लगती है, क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत कम होता है जिसके कारण से वो हमारी हीट लेकर तुरंत क्या होता है वेपोराइज हो जाता है, यानी हीट में बहुत ज्यादा विच अपग्रेड रेडली. हाँ तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है, तो जैसे ही हम अपनी हथेली पर रखते हैं हमारी उससे क्या कहते हैं हीट लेते हैं हमारा उस एक टेम्प, तो आसानी से हमारी हथेली से हीट लेकर वो क्या हो जाता है वेपोराइज हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है. सो वी कैन से इट कॉज द कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है.
बहुत जल्दी, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है तो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं. ठीक है, वाई वी आर एबल टू सीप हॉट टी, क्योंकि देखिए हॉट एरिया बढ़ा दिया, ये बड़े सॉसर में डालकर पीते हैं चाय तो बहुत जल्दी ठंडी क्यों हो जाती है, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया बढ़ाएंगे जो अंदर के पार्टिकल्स हमको एक्सपोज होने में जल्दी एक्सपोज होंगे एयर से, सो दे गेट्स मोर एवोपोरेटेड, सो दैट्स वाई एवोपोरेशन रेट बिकम फास्टर. वाई डज वट टाइप ऑफ क्लॉथ, मैंने बता दिया वूलन क्लॉथ पहन के. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन देखते हैं. हाँ, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन टू सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल में जाएंगे 293 केल्विन, इसमें आपको कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन टू केल्विन स्केल. आप देखिए डिग्री सेल्सियस से आप किस पे जाना है, केल्विन पर, डिग्री सेल्सियस से केल्विन पर जाएंगे तो इतने में 273 प्लस कर देंगे, और ये क्या है आपको सेल्सियस पे जाना है तो इसमें से 273 माइनस कर देंगे, यानी 293 माइनस 273, यानी केल्विन से डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तो 273 माइनस करोगे, और डिग्री सेल्सियस से केल्विन पे जाओगे तो 273 प्लस करोगे, यानी 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री सेल्सियस आपके पास आ जाएगा ये. ठीक है, हाँ, तो आप इसमें क्या करेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी जब आप ये याद रखेंगे जब आप डिग्री सेल्सियस से आप किस पे जाएंगे, केल्विन पे, डिग्री सेल्सियस से केल्विन पे जाते हैं तो 273 प्लस करते हैं, और उल्टा केल्विन से डिग्री सेल्सियस पे आते हैं तो 273 माइनस करते हैं, याद रखेंगे. नेफ्थलीन बॉल डिसअपीयर विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, देखिए आप वूलन कपड़े जब हम उठाकर रखते हैं उन्हीं कपड़े, तो उसमें नेफ्थलीन की बॉल्स डालते हैं, इट इज अ सब्लिमेट, डायरेक्टली चेंज हो जाती है इनटू वेपर स्टेट, सो इट डज नॉट लीव एनी सॉलिड. वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ये बता दिया. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा शुगर में, उसके बाद वाटर और उसके गैस में सबसे कम. फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, पानी की स्टेट है, लिक्विड स्टेट, 0 पे दोनों एग्जिस्ट करते हैं, 100 पे दोनों एग्जिस्ट करते हैं, वाटर और गैस, लिक्विड और गैस. वाटर एट रूम टेम्परेचर लिक्विड, पानी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों होता है, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीडियम है. ठीक है, दूसरा पानी कैसा करता है, फ्लोट करता है. दूसरी बात, वाटर हमारे रूम का टेम्परेचर जो है क्या रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कभी ऊपर नहीं होता, इसलिए पानी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है. आयरन अलुमिना इज सॉलिड बिकॉज इट्स हैड फिक्स बाउंड्री, इट इज फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, दैट्स वाई. और आयरन का जो क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा हाई होता है हमारे रूम टेम्परेचर से, दैट्स वाई इट इज सॉलिड. ठीक है, तो हमारे आयरन का जो रूम टेम्परेचर, रूम का जो टेम्परेचर, इसका आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा हाई होता है रूम टेम्परेचर, सो इट रिमेन सॉलिड. नेक्स्ट है वाई आइस इज 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, आइस ठंडी क्यों होती है, क्योंकि देखिए आइस जो होती है सॉलिड स्टेट में है और उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है. अब उस पार्टिकल्स के बीच में जब आप फोर्स को तोड़ोगे तो उसको तोड़ने के लिए हीट भी ज्यादा चाहिए, तो हीट कहाँ से लेगा, हमारी सराउंडिंग से लेगा. ठीक है, तो आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है उसको ब्रेक करने के लिए जब आइस मेल्ट होगी तो जो हीट ली जाएगी वो हमारी सराउंडिंग से ली जाएगी, दैट इज द लेटेंट हीट, क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी, सो इट रिक्वायर्स मोर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सो दैट इज टेकन फ्रॉम द पाम एंड दैट्स वाई इट क्रिएट मोर कूलिंग इफेक्ट. जैसे हथेली हम अपने हाथ में आइस लें और वाटर लें, सेम टेम्परेचर पर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी आइस ठंडी क्यों है, क्योंकि आइस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स होता है. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है जिसके कारण से इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा हीट चाहिए, दैट इज टेकन फ्रॉम द अवर हैंड, जो हमारे हाथ से वो हीट लेता है, एंड दैट्स वाई दिस हीट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट. वो हीट कौन सी कहलाती है, लेटेंट कहलाती है, दैट इज द दैट्स वाई इट इज द इट क्रिएट मोर कूलिंग इफेक्ट, यही कारण है कि मोर कूलिंग इफेक्ट आता है. देखेंगे तो एक बार इसमें वाटर वेन आइस मेल्ट, देखेंगे क्वेश्चन क्या है, वेन आइस मेल्ट इट एब्जॉर्ब मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. देखिए जब आइस मेल्ट होती है तो आइस को हीट चाहिए पिघलने के लिए. ठीक है, वो हीट आइस की जो मेल्टिंग है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस पर स्टार्ट हो गई, तो फिर वो हीट जो आप कंटिन्यूसली ले रहे हैं वो हीट कहाँ से ले रहा है, वो हीट जो कंटिन्यूसली ले रही है वो कहाँ से ले रही है, लेटेंट हीट कहलाएगी वो हीट, दैट इज द हिडन हीट फ्रॉम द सराउंडिंग से लेगा, सो इट इज कॉज कूलिंग, क्योंकि अब वो हीट सराउंडिंग से ले जा रही है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सो दैट्स वाई इट कॉज मोर कूलिंग इफेक्ट देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर. यही कारण है कि आइस ज्यादा ठंडी रखती है सेम टेम्परेचर पर, पानी कम ठंडा लगता है. ठीक है, जब हम पानी को भी 100 डिग्री, हम पानी को भी 0 डिग्री सेल्सियस पर लें और आइस को भी लें, क्योंकि आइस इसलिए कूलिंग इफेक्ट ज्यादा हो रही है क्योंकि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है, सो दिस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द हीट इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है. स्टीम कॉज मोर सीवियर बर्न, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि स्टीम से ज्यादा जलन होती है इन कंपेरिजन टू द बॉइलिंग वाटर, क्योंकि देखो बॉइलिंग वाटर जो होता है पानी से बॉइल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, स्टीम बनती है 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, यानी जब स्टीम बन रही है तो उसका मतलब टेम्परेचर उस पर 100 से ज्यादा ही है, तो ऑब्वियसली जब स्टीम हैज मोर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि देखो जब पानी से बर्फ बन, सॉरी जब पानी बॉइलिंग वाटर से जब स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली टेक हीट फ्रॉम द एक्स्ट्रा हीट ले रहा है. ठीक है, अबव 100 डिग्री सेल्सियस, सो दैट इज कॉल्ड अ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सो वी कैन से स्टीम हैज मोर लेटेंट हीट, एक्स्ट्रा हीट है इसके पास
in comparison to boiling water. That is heat of latent heat of vaporization. That's why it has more latent heat of vaporization. So that's why it causes more severe burn in comparison to the boiling water. So this is the revision of the first chapter. Now in next video I will start the next I will revise the next chapter, fundamental unit of life. And thank you and have a nice day.